विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन हुआ है। विधायक चौधरी ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात 3 बजे मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली धर्मपाल चौधरी। विधायक ने पैतृक गांव जाट बहरोड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने संवेदना जताई है और आपको बता दें कि धर्मपाल चौधरी मुंडावर से वर्तमान में बीजेपी विधायक थे और पिछले कार्यकाल में ही संसदीय सचिव भी रहे थे। विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन। विधायक चौधरी ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात 3 बजे अंतिम सांस ली मेदांता में और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जाट बहरोड में होगा और इस पर बीजेपी नेताओं ने संवेदना जाहिर की है। आपको बता दें कि धर्मपाल चौधरी मुंडावर से वर्तमान में बीजेपी विधायक थे और पिछले कार्यकाल में ही संसदीय सचिव भी रहे थे धर्मपाल चौधरी। और इस वक्त की अहम अपडेट आपको बता दें कि धर्मपाल चौधरी का पार्थिव देह गुरुग्राम से रवाना हो गया है। उनके पैतृक गांव जाट बहरोड में के लिए रवाना हुआ है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये एक क्षति सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं है, उनके परिवार के लिए, उनके मित्रगण के लिए भी एक अपुण्य क्षति है। रात 3 बजे ही उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में विधायक धर्मपाल चौधरी ने अंतिम सांस ली। उनका निधन हुआ, एक अपुण्य क्षति इसे बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। और इस पर बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने संवेदना जाहिर की, शोक प्रकट किया। अभी की बात की जाए तो धर्मपाल चौधरी मुंडावर से वर्तमान में बीजेपी विधायक थे और पिछले ही कार्यकाल में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं विधायक धर्मपाल चौधरी। चार जुलाई 1954 को भरोड़ में उनका जन्म हुआ। अलवर के राठ क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता रहे और जाट महासभा के 2000 से 2014 तक अध्यक्ष भी रहे धर्मपाल चौधरी। 2003, 2008 और 2014 में बीजेपी से विधायक भी रहे। पिछले कार्यकाल में ही उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। बहरोड के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और कृषि और ट्रांसपोर्ट और शिक्षा के क्षेत्र से ये लगातार जुड़े रहे। और इनका परिचय भी हम आपको बता दें कि अलवर के मुंडावर से वर्तमान में विधायक थे धर्मपाल चौधरी। 3 बार विधायक पद पर चुने गए धर्मपाल चौधरी और बहरोड के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। कृषि ट्रांसपोर्ट और शिक्षा के क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे और श्रम मंत्री जसवंत यादव को नसीहत दी। उस दौरान ये काफी चर्चा में भी रहे। श्रम मंत्री को अधिकारियों से बेहतर व्यवहार की इन्होंने नसीहत दी थी धर्मपाल चौधरी ने। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी धर्मवीर, कहा जा सकता है बीजेपी के लिए एक अपुण्य क्षति है धर्मपाल चौधरी का समय से पहले निधन हो जाना। जी धर्मपाल चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता और विधायकों के रूप में रहे हैं। धर्मपाल चौधरी जी की सदा हमारे पार्टी के कार्यों में हमेशा रुचि रही है और उन्होंने गंभीरता से पार्टी के हित में काम किया। अपने जीवन में और सबसे पहले डॉक्टर रोहिता शर्मा जी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कामों को शुरू किया था और उसके बाद में वो स्वयं भी चुनाव लड़े, जीते। उनका अच्छा कैरियर रहा है पार्टी के प्रति और उनके निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं समझता हूँ। जी जी धर्मवीर जी, साथ ही उनके जाने से पार्टी को अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने के बाद पार्टी पर किस तरीके का प्रभाव अब देखने को मिल सकता है? उनके किस बात को लेकर के कमी अब पार्टी में महसूस की जा सकती है? उनकी जिस तरह की अब तक कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली को देखते हुए पार्टी पर किस तरीके का प्रभाव अब देखने को मिलेगा? देखिए,
धर्मपाल चौधरी जी का जो व्यक्तित्व रहा, जो कृतित्व रहा, जो उनके कार्यशैली रही, उस कार्यशैली से न केवल उनकी स्वयं की बिरादरी के बल्कि अन्य समाजों के लोग भी, पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, दिल से जुड़े हुए थे। और वो अलवर जिले में अपने एक अलग पहचान बनाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया। राजस्थान भर में अपने स्वयं का भी और अपने क्षेत्र का भी, अलवर का भी नाम उन्होंने उज्ज्वल किया। उनको हम, न केवल मैं बल्कि पूरी पार्टी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी धर्मवीर जी, शायद इसी का नतीजा है कि वो 3 बार विधायक पद पर चुने गए। जी हाँ बिल्कुल, एकदम आप ठीक समझ रहे हैं। जी धर्मवीर जी, कहा जा सकता है ये जो अपुण्य क्षति है वो सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, उनके परिवारजन, उनके मित्रगण के लिए भी एक अपुण्य क्षति से कहा जा सकता है। एकदम, मैंने पहले ही कहा, धर्मपाल चौधरी अपने परिवार के साथ साथ समाज के अभिन्न अंग थे। अभी आप जो चित्र दिखा रहे हैं उसमें उनके दाहिने बगल में बैठा हुआ ही। जी साथ ही धर्मवीर जी, ऐसे कौन से क्षेत्र रहे जिनमें उन्होंने विकास कार्य किए और उन विकास कार्यों को हमेशा पूरे जीवन भर याद किया जाएगा? मुडावर क्षेत्र में जितने कार्य उनके विधायक बनने के बाद हुए उसमें उनकी अद्भुत योगदान रहा, नंबर एक। नंबर दो, अलवर जिले में उनके समाज के, जाट समाज के इतने अधिक विवाद थे पहले उनके बनने से पहले। वो अलवर जिले में जाट महासभा के जब से अध्यक्ष बने पिछले 15 साल में 12 साल में उन्होंने पूरे समाज के आपसी विवादों को समाप्त करके और स्वयं को एक निर्विवाद समाज के शीर्ष नेतृत्व के रूप में स्थापित किया और उनके सहयोग से, उनके साथ से हर तरह के गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को मदद मिलती रही। उनको सर्व लोकप्रिय थे, सर्वजन हिताय उनके काम का तरीका था। जी धर्मवीर जी, वाकई में जाट समुदाय के लोगों के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि मसीहा के रूप में वो रहे, लेकिन इसके अलावा साथ साथ कहीं ना कहीं उनका कृषि और ट्रांसपोर्ट से भी, उस क्षेत्र से भी जुड़ाव लगातार रहा। हाँ एकदम रहा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से भी रहा। ये जो जिस गांव के ये मूल निवासी है जाट बैरोड के, जी उस गांव में ये घर घर का उद्योग है। ये जो ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट बसें पहले तो सारी जाट बैरोड की चलती थी अलवर जिले में, और उसके बगल में सानोली गांव है। सानोली गांव में यादव समाज के लोग ट्रांसपोर्ट के काम में आज तक भी लगे हुए हैं। आधी दिल्ली में गाड़ियां सानोली गांव के लोगों की, जाट बैरोड गांव के लोगों की हैं, और ये स्वयं बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर। जी धर्मवीर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही इस वक्त संवाददाता बाबूलाल जी भी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बाबूलाल, बताइए कितनी देर में धर्मपाल चौधरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन कौन उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? अनूपपुर उनकी पार्थिव देह मेदांता से उनके पैतृक गांव जाट बरोड लाई जाएगी और दोपहर के 3 बजे उनको उनका अंतिम संस्कार होगा। वसुंधरा सरकार के मंत्री, भाजपा के विधायक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और उनके जो दोस्त हैं उनकी आंखें नम है आज, क्योंकि धर्मपाल चौधरी की जो दोस्ती है वो बहुत बड़ी थी और उनके जो दोस्तों का जो ग्राफ था वो बहुत लंबा थोड़ा, यानी कि बहुत लोग थे उनके पास में जो आज नम आंखों से अपने साथी को अंतिम विदाई देंगे और किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि अपने बीच में जो हमेशा हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा था, जो स्पष्टवादी था, जो अपनी बात को कहने से कभी रोकता नहीं था, कभी भी वो डिप्लोमेटिक नहीं होते थे, जो मन में आता बोल देते थे, और वो शख्स आज चला गया उन्हें अकेला छोड़ करके। तो उनके परिवार को हिम्मत बताने के लिए, उनके परिवार को ढांढस बनाने के लिए, सांत्वना देने के लिए प्रदेश भर से नहीं बल्कि हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान के कई जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जाट बैरोड में उनका जन्म हुआ, उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद अपना कारोबार किया, राजनीति में आ गए। अलवर जिले में उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ काफी काम किया, सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे और
उनका जो निधन है वो रुला गया एक तरह से उस क्षेत्र की जनता को, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे। कभी भी आधी रात को लोग उन्हें फोन कर लेते थे, वो हमेशा उपलब्ध रहते थे अपने इलाके की जनता के लिए और कभी किसी को नाराज नहीं करते थे। कोई आया तो काम जो होने वाला वो कर देते थे, अगर नहीं हो पाता था उनसे तो फिर वो उसके लिए माफी मांग लेते थे कि भाई माफ करना, देखो मैंने पूरी कोशिश की। लेकिन वो लोगों का दिल जीतना जानते थे, उनकी कोशिश यही होती थी कि उनके पास आया हुआ आदमी खाली हाथ ना जाए। जो भी उम्मीद उनके उनसे लोग करते थे उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करते थे। जाटों की राजनीति करते थे लेकिन 36 कौम को साथ लेकर के भी चलते थे, बड़े नेता थे, दिल बहुत बड़ा था धर्मपाल चौधरी का। इसलिए आज वो लोगों के बीच में नहीं है तो लोगों की आंखें नम है, उनके जो साथी हैं वो बहुत मिस करेंगे उनको और वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। उनका अपना एक कद था राजनीति में, उनकी एक अपनी पहचान थी और जी वो जी बाबूलाल और साथी ये कहा जा सकता है कि बेदाग छवि के चलते उनको जीवन भर उनकी कमी को महसूस किया जाएगा। जी बाबूलाल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए एक अपूर्णीय क्षति धर्मपाल चौधरी का निधन हुआ। बहरोड के पास आज उनका अंतिम संस्कार लगभग 3 बजे किया जाएगा और कहा जा सकता है अब दिगंबर सिंह सावललाल जाट के बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति हुई है। धर्मपाल चौधरी का समय से पहले निधन हो जाना और उनके आपको बता दें उनके राजनीतिक सफर के बारे में, 4 जुलाई 1954 को बहरोड़ में उनका जन्म हुआ। अलवर के दाठ क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता रहे और जाट समुदाय के लिए इन्होंने खास तौर पर कई विकास कार्य भी किए। जाट महासभा के 2000 से 2014 तक धर्मपाल चौधरी अध्यक्ष रहे, तो वही 2003, 2008 और 2014 में बीजेपी से विधायक भी रहे धर्मपाल चौधरी।